दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बेसन और रोटी से बनने वाला बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब है। आप मेरी यह रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। हेलो एवरीवन, आस्था की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बेसन और रोटी का बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो वीडियो पूरा देखिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने एक कटोरी बेसन ली है और दो रोटियाँ। बनाने के लिए मैंने लिया है एक बाउल। बाउल में हम डालेंगे बेसन। बेसन में हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से मिलाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। हमें पानी थोड़ा थोड़ा ही डालना है। अभी बेसन काफी गाढ़ा लग रहा है, इसमें हम थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। बेसन को ना हमें ज़्यादा गाढ़ा ही करना है और ना ही ज़्यादा पतला करना है। बेसन हमें कुछ इस तरह रखना है, ये ना तो ज़्यादा गाढ़ा ही है और ना ही पतला है। अब हम इसे एक साइड में रख देंगे। नाश्ता बनाने के लिए मैंने लिया है पैन। पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। तेल की जगह आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को पैन में अच्छे से फैलाएंगे और इसे गर्म करेंगे। तेल जब तक गर्म हो रहा है, हम नाश्ते के लिए कुछ सब्जियों को तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक छोटे साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटी हुई प्याज, कद्दूकस किया हुआ अदरक, कद्दूकस की हुई मूली, हरी मटर और धनिया। तेल गर्म हो चुका है, अब हम बेसन में रोटियों को अच्छे से लगाएंगे। अब हम रोटी को पैन में डालेंगे। रोटी को पैन में डालने के बाद अब हमने जो सब्जियां ली थी उनको हम थोड़ा थोड़ा रोटी पर फैलाएंगे। थोड़ा सा इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ गाजर, कद्दूकस की हुई मूली, बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मटर और हरा धनिया, कलछुल की मदद से इसको अच्छे से फैला देंगे ताकि यह बेसन में अच्छे से चिपक जाए। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से हम पकाएंगे। एक साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे पलट कर दूसरी साइड भी गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पकाएंगे। दोनों साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे।
इसी तरह हम दूसरी रोटी को भी बना लेंगे। में भी हम सब्जियों को अच्छे से फैला देंगे। इसमें मैंने मिर्ची का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची का इस्तेमाल ना करें। एक साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे पलट कर दूसरी साइड भी गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये भी दोनों साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे भी निकाल लेंगे। रोटी और बेसन का टेस्टी नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे चाकू की मदद से काट लेंगे। तो दोस्तों, बेसन और रोटी का टेस्टी नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं, यह देखने में ही कितना बढ़िया और लाजवाब है। खाने में तो और भी टेस्टी होगा। तो आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।